अमित शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद की नई इमारत का उद्घाटन करेंगे और उन्होंने बताया कि नए संसद भवन में सेंगोल यानी राजदंड को रखा जाएगा। यह वही सेंगोल है जिसे आजादी के वक्त जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। इस सेंगोल का भारत में सबसे पहले चोल राजाओं द्वारा सत्ता के हस्तांतरण में इस्तेमाल किया जाता था। अब इस सेंगोल को नए संसद भवन में स्पीकर की कुर्सी के पास स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु से विद्वान पीएम मोदी को सेंगोल सौंपेंगे। नमस्कार, मैं गिरिजा वाधवानी और आप देख रहे हैं एनटीवी टाइम। आइए जानते हैं सेंगोल के बारे में कुछ फैक्ट। सेंगोल क्या है? सेंगोल दंड नुमा आकृति का राजदंड होता है। यह राजा की राजशक्ति का प्रतीक चिन्ह है। सेंगोल को सही मायनों में भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तांतरण का एक उत्तम उदाहरण माना जाता है। भारत में सबसे पहले चोल शासन के वक्त एक शासक के दूसरे शासक को सत्ता के हस्तांतरण के वक्त इसका इस्तेमाल होता था। सेंगोल ने शासकों को नैपुण शासन करने की याद दिलाता है। सेंगोल की लंबाई कितनी है? जवाहरलाल नेहरू को जो सेंगोल सौंपा गया था उसकी लंबाई 5 फीट है। वही सेंगोल अब पीएम मोदी को सौंपा जाएगा। किस मेटल से बना है सेंगोल? सेंगोल चांदी का बनाया गया था। इस पर सोने की परत चढ़ाई गई थी। उस वक्त अलग अलग कारीगरों ने इस पर काम किया था। आखिर क्यों बनवाया गया था सेंगोल? अगस्त 1947 में सत्ता के हस्तांतरण का दिन पास आ रहा था। तब लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू से पूछा कि सत्ता हस्तांतरण के दौरान क्या आयोजन होना चाहिए। नेहरू जी ने सी राजगोपालाचारी से परामर्श किया था। वे देश के इतिहास और संस्कृति की गहरी। क्यों बनवाया गया था सेंगोल? अगस्त 1947 में सत्ता के हस्तांतरण का दिन पास आ रहा था। तब लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू से पूछा कि सत्ता हस्तांतरण के दौरान क्या आयोजन होना चाहिए। नेहरू जी ने सी राजगोपालाचारी से परामर्श किया। वे देश के इतिहास व संस्कृति की गहराई जानकारी रखते थे। तब उन्होंने चोल राजाओं द्वारा इस अवसर पर अपनाए जाने वाली विधि और अनुष्ठा के बारे में बताया। इसके बाद फैसला हुआ कि नेहरू को सेंगोल सौंपा जाएगा। इसके बाद राजगोपालाचारी ने अगस्त 1947 में भारतीय स्वतंत्रता को चिन्हित करने के लिए इसे बनवाने का फैसला किया। किसने इसे बनवाया और किसने इसे बनाया था? अधिनियम द्वारा दिए गए विशेष आदेश के बाद इसे बनवाया गया था। मद्रास के स्वर्णकार बंगारू चेट्टी ने इसे हस्तशिल्प कारगिरी द्वारा बनाया था। इस अद्भुत कलाकृति के शीर्ष पर नंदी की सुंदर छटा देखते ही बनती है। नेहरू को कब सौंपा गया था सेंगोल? 14 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल सौंपा गया था। उस वक्त आदिनम पुरोहितों ने खास गीत का गायन किया था। नेहरू को किसने सौंपा था सेंगोल? जवाहरलाल नेहरू ने थिरुवादुरई अधिनियम के महंत से सेंगोल को स्वीकार किया था। कैसे दोबारा चर्चा में आया सेंगोल? 15 अगस्त 1947 के बाद सेंगोल नजर नहीं आया। बताया जाता है कि इसे इलाहाबाद के संग्रहालय में रखा गया था। 15 अगस्त 1978 को कांची मठ के चंद्रशेखर सरस्वती ने एक संवाद में इस घटना को याद किया। उन्होंने डॉक्टर बी आर सुब्रमण्यम से इसकी चर्चा की। सुब्रमण्यम ने इस चर्चा को अपनी किताब में भी जगह दी। इस संस्मरण को विभिन्न तमिल मीडिया में वरीयत दी गई। इसके बाद सेंगोल चर्चा में आ गया। कहां लगाया जाएगा सेंगोल? सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। इसे तमिलनाडु से आए अधिनम पीएम मोदी को सौंपेंगे। इसके बाद इसे स्पीकर की कुर्सी के पास रख दिया जाएगा। मेहरबान कदरदान साहिबान, ये है IIFL फाइनेंस का गोल्ड लोन मेला मेरी जान। यहाँ जो भी आएगा छप्पड़ फाड़ के ले जाएगा। यही है सीधी बात जनाब। सिर्फ गोल्ड लोन नहीं, एक नई कार या कुछ और भी शानदार ले जाएगा। आ गया है IIFL फाइनेंस गोल्ड लोन मेला, क्योंकि यहाँ सिर्फ गोल्ड लोन नहीं खुशियाँ बढ़ती है। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात।